छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। यहाँ पर कंपनी एवं उद्योग को सरकार बढ़ावा दे रही है। रायपुर राजधानी से 20 किलोमीटर दूरी पर खोरपा गांव है, जहां पर बिना ग्राम सभा के उद्योग लगाई जा रही है, जबकि नियम के अनुसार ग्राम सभा की प्रस्ताव होना अनिवार्य होता है और वहां पे उद्योग शुरू हो चुकी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है। ये किसानों की जीवन प्रभावित हुआ है और उनके अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गए हैं। कारखाना कौन सी कंपनी लगा रही है? कल्पतरु पावर लिमिटेड ट्रांसमिशन रोलिंग कंपनी R&D नाम का कोई कंपनी हमारे गांव में स्थापित होने जा रही है, जिसका समस्त गांव के लोग इसका एक स्वर में विरोध कर रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? यहाँ कारखाना खुलने का एक ही उद्देश्य है, कारखाना बंद करने का, कि आसपास के जो वातावरण है प्रदूषित हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सरपंच बिना ग्राम पंचायत प्रस्ताव के NOC दे दिया है। खोरपा गांव में गांव के लोगों को गुमराह में डालकर उद्योग शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ विकास चाहते हैं, लेकिन लोगों के हित में जो विकास ना हो, ऐसी विकास की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा पूरे गांव के लोगों का कहना है। आम जीवन किस तरह प्रभावित होगा इस फैक्ट्री से? यदि फैक्ट्री लग जाती है तो फैक्ट्री वालों का कहना और गांव के जो सरपंच होते हैं उनका भी कहना है कि गांव लोगों को जो बेरोजगार रोजगार मिलेंगे। ये बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन समस्त गांव और आसपास का जो क्षेत्र है कृषि के ऊपर आधारित है, कृषि के ऊपर निर्भर है पूरी तरह से। लेकिन यदि फैक्ट्री खुल जाती है तो पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा, यहाँ का वातावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा, और जो कंपनी के द्वारा जो यूज के बाद जो पानी निकलता है वो पानी या आसपास के कृषि करने वाले के खेत में पहुँचेंगे, इसके माध्यम से नाले में जाएगा, तो संपूर्ण वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, बल्कि यहाँ जीना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो कृषि भूमि है बंजर हो जाएगी, है ना, वातावरण प्रदूषित होगा, पशु पक्षियों पर भी काफी प्रदूषण की वजह से काफी दुष्परिणाम होगा। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।